हेलो एवरीवन, दिस इज नंदिनी शुक्ला। आई एम हियर टू टेल यू समथिंग अबाउट मेमोरी। आई मीन माय टॉपिक इज मेमोरी। लेट्स टॉक टू इन हिंदी। अगर हम ह्यूमन मेमोरी की बात करें, हम अपनी मेमोरी की बात करें, तो हमारी मेमोरी क्या होती है? हमारे लाइफ के वेरियस इवेंट्स, वेरियस हैपनिंग, बहुत सारी यादें, बातें जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में, ब्रेन में स्टोर होती हैं। ठीक उसी तरह अगर हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करें, तो हम कंप्यूटर में जो भी वर्क करते हैं, उसमें के डेटा, इंस्ट्रक्शन, जो भी हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, सारे वर्किंग को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। उसी मीडियम को हम मेमोरी कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि यह कंप्यूटर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है, इसीलिए इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। करंटली हम कंप्यूटर में करंटली जो भी टास्क परफॉर्म करा रहे होते हैं, हम जो भी वर्क करते रहते हैं, उसमें के डेटा और इंस्ट्रक्शन प्राइमरी मेमोरी ही सीपीयू में होल्ड करके रखती है, इसीलिए इसको वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। कंप्यूटर कांट वर्क विदाउट प्राइमरी मेमोरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम। रैम, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी। इसमें हम जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन स्टोर करते हैं, अगर पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, तो उसमें के डेटा और इंस्ट्रक्शन डिलीट हो जाते हैं। इसमें कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए हमें पावर सप्लाई की ही ज़रूरत पड़ती है। हम कंप्यूटर में जो भी डेटा, हम कंप्यूटर में जो भी इनपुट देते हैं, प्रोसेस होने के पहले वो जहाँ स्टोर रहता है वो रैम पर ही रहता है, और प्रोसेस होने के बाद वो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो भी रैम पर ही होता है। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर पर प्रोसेसिंग होने के पहले और प्रोसेस होने के बाद जो भी डेटा स्टोर रहता है वो हमें रैम पर ही शो होता है। अब दूसरा आता है रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। दिस मेमोरी इज परमानेंट मेमोरी। इसमें हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि इसमें हम कुछ भी अलग से राइट नहीं कर सकते हैं। रोम एक सिलिकॉन चिप होता है जो मदरबोर्ड पर मैन्युफैक्चरर के टाइम पे ही इंस्टॉल किया जाता है। जब भी हम कोई नया डिवाइस अपने घर पे लाते हैं, तो रोम उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है। कंप्यूटर सिस्टम को हम जब ऑन करते हैं, तो उस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं, और बूटिंग होने में रोम की हेल्प होती है। अब आते हैं, हम ये थी हमारी प्राइमरी मेमोरी। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, तो सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी है। इसका यूज़ मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें डेटा को लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो भी डेटा हम एक बार सेव कर सकते हैं, उसे फ्यूचर में कभी भी खोल के देख सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं, और उसे यूज़र के द्वारा डिलीट भी किया जा सकता है। यह कंप्यूटर का भाग नहीं होता है, इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है, और इसकी कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी की कंपेरिजन में काफ़ी अच्छी होती है, बट इसकी स्पीड थोड़ा स्लो होती है। ये हमारे कंप्यूटर में जीबी और टीबी में देखने को मिल जाती है। और सेकेंडरी मेमोरी के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।